बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़क्किर फ़इन्नज़ ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन وقال تعالى يا أيها النبي إنا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فضلت على الأنبياء بسد أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وختم بي النبيون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। सब हजरात से दरख्वास्त है कि ज़ौक व शौक़ के साथ एक मरतबा दुरूद पाक की तिलावत फरमा लें। खिदमत में हाज़िरी की सआदत हासिल हो रही है। हमारे अज़ीज़ मौलाना खुर्रम शहज़ाद साहब और आपकी मस्जिद के इमाम और ख़तीब मौलाना अंसर नदीम साहब, इन दोनों हजरात ने यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने यहाँ पहुँचा दिया और हम सबको मिल बैठ कर दीन की ख़त्म नबूवत की, अल्लाह और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करने की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह ताला हम सबको हक कहने, हक सुनने, हक समझने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये प्रोग्राम अपनी तरतीब के मुताबिक जारी रहेगा। हमारे भाई मौलाना क़ारी अब्दुर्रशीद साहब भी मौजूद हैं, ये अपना खिताब फरमाएंगे और नातिया कलाम भी वो भी इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा। मेरी कुछ मजबूरी थी, आज मुझे कहीं पहुंचना था तो मैंने गुजारिश की कि आप मेहरबानी फरमाएं, मुझे पहले वक्त दे दें। तो इन्होंने शफकत फरमाई और मेरी दरख्वास्त पे इन्होंने तामील फरमाई और मुझे पहले वक्त मिल गया। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। हम सब के लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। ये इतनी बड़ी दौलत और नेमत है कि हम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। हमें कलमा दिया है, अपनी मारिफत दी है, अपनी मोहब्बत दी है, और दूसरा बड़ा एहसान अल्लाह ने हम पे ये फरमाया कि अल्लाह ने हमें अपने सबसे प्यारे लाडले और सबसे आखिरी नबी की उम्मत में से बनाया है। अरबी का एक शायर कहता है कि अल्लाह ने मुझे दो नेमतें ऐसी दी हैं,
उन नेमतों की वजह से मेरे पाँव के तलवे ज़मीन पर नहीं लगते और मैं ज़मीन से उड़कर सुरैया तक पहुंच जाता हूँ। वो कहते हैं वमिम्मा ज़ादनी अजबं वतीहा वकितु बिअख्मसी अता अस्सुरैया दुखूली तहता कौली का या इबादी व अनसैयरता अहमद अली नबिया। कह अल्लाह आपकी दो नेमतें ऐसी हैं जिनसे मेरी फरहत में सुरूर में खुशी में इजाफा होता चला जा रहा है और मैं ज़मीन पर नहीं ठहरता उन नेमतों की वजह से। अन अता असुरैया करीब है कि मेरे पांव सुरैया को छू जाएं। वो क्या नेमतें हैं? दुखूली तहता कौली का या इबादी, आपने मुझे अपना बंदा बना के जब या इबादी कहा उसमें मुझे भी दाखिल कर लिया। वअन सैयरता अहमद अली नबिया, और दूसरा ये कि आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा नबी बनाया है। मेरे दोस्तों, दोनों नेमतें ऐसी हैं। किसी इंसान को कलमा नसीब ना हो, दुनिया की हर नेमत मिल जाए, उसे पूरी दुनिया की हुकूमत मिल जाए, एक न एक दिन तो उसने दुनिया छोड़ के जाना है कि नहीं जाना? क्यों जी, क्या ख्याल है? फिर सब कुछ खत्म। और जो आदमी कलमा साथ लेके जाएगा, ईमान साथ लेके जाएगा, इस ईमान की वजह से, इस कलमे की वजह से उसको एक न एक दिन ऐसी जन्नत मिलेगी जो कम अज कम इस दुनिया के बराबर होगी, जिसको कुरान करीम ने कहा व इजा रईता सम्मा रईता नईमं व मुल्कन कबीरा। ऐ मुखातब, जब तू वहां देखेगा तो नेमतें ही नेमतें देखेगा और बहुत बड़ी बादशाही जो तुझे मिलेगी वो तुझे वहां नजर आएगी। अल्लाह ने हमें कलमा देकर गोया जन्नत का मालिक बना दिया है और जन्नत की बादशाही हमें अता कर दी है। और दूसरी नेमत जो अल्लाह ताला ने अपना आखिरी नबी, सुभान अल्लाह, वो नबी जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती, जिसकी नजीर कहीं नहीं मिलती, जो एक ही है कायनात में, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बड़ा रब कलम तोड़ दिता, कहीं नहीं है। सिर्फ ये ना समझे कि इस जमीन पर नहीं, जहां 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 रब की खुदाई है वहीं वहीं मुस्तफा की मुस्तफाई है। जहां कोई मखलूक बसती है अल्लाह ने मेराज कराई है हुजूर को। सुना होगा आपने, इस मेराज में उलमा ने लिखा है कि कायनात के वो हिस्से जहां कोई भी मखलूक बसती है अल्लाह वहां वहां अपने नबी को ले गया है और उनको दिखा दिया है, ये है मेरा मोहम्मद, ये है मेरा नबी, जिसने आना था वो आ गया है। और आपने उलमा से सुना होगा, हर नबी ने ये तमन्ना की थी कि ऐ अल्लाह मुझे अपने नबी का दीदार कराना जब आ जाए। और अल्लाह ने हर नबी से वादा लिया था जब उन्हें मिसाक नबूवत से नवाजा जा रहा था, ऐ मेरे नबियों, मैं तुम्हें नबी तो बना रहा हूं लेकिन याद रखना, ऐसा हो जाए अगर तुम्हारे जमाने में मेरा वो रसूल आ जाए तो फिर तुमने अपना कलमा छोड़ के उसका कलमा पढ़ लेना है। وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ।
फिर अपना काम बंद कर देना है, अपनी दुकान को ताला लगा देना है। लतुमिनुन्न भी, तुम्हें उस रसूल पर ईमान भी लाना होगा और उसकी नुसरत भी करनी होगी। लेकिन ये लंबी बहस है। जब हुजूर तशरीफ लाए सुभान अल्लाह, तो हर नबी जो जहां जहां थे उनको इत्तला हो गई कि वो तशरीफ ला चुके। सुभान अल्लाह, वो तशरीफ। अब हर नबी ने दरख्वास्त की, ऐ अल्लाह जिंदगी में तो नहीं आए, अब हम आलम बरसख में हैं, तो जरा हमें दीदार तो करा दे अपने नबी का। है कैसा जिसका कलमा पढ़ने को हमें हुक्म दिया था, जिसकी पीछे चलने को हमें हुक्म दिया था, हम उसको देखना चाहते हैं। तो अल्लाह ने कहा अगर मेरे नबी को देखना है तो अपने घर से निकलना होगा। तुम अपने घर में बैठ के उसका दीदार नहीं कर सकते। जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, नबी को वो दर दर बुलाता नहीं है। अगर नबी भी दरख्वास्त करते हैं तो उनको भी ये हुक्म होता है कि निकलो चलो। हाँ, एक शख्स मुझे ऐसा नजर आता है कि नबी जिसके घर चल के आता है, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे नहीं याद जब से मैंने शुऊर की आंख खोली है हुजूर हमारे घर ना आए हों, हुजूर हमारे घर ना आए। सुभान अल्लाह, क्या शान है। आपने सुना होगा उलमा से, एक वो रात है जिस रात में हुजूर ने फर्श से अर्श का सफर किया था, और एक वो रात है जिसमें हुजूर ने मक्के से मदीने का सफर किया था। पहली रात को मेराज की रात कहा जाता है और दूसरी रात को हिजरत की रात कहा जाता है। मेराज की रात भी कोई एक आपके साथ है और हिजरत की रात भी कोई एक आपके साथ है। मेराज की रात जो आपके साथ है वो मलाइका में सबसे अफजल है, और हिजरत की रात जो आपके साथ है वो नबियों के बाद सारी उम्मतों में सबसे अफजल है। लेकिन कई सारे फर्क बताए हैं उलमा ने, बताऊं आपको। मेराज की रात साथ जाने वाला जिब्रील अमीन है, और हिजरत की रात साथ जाने वाला सिद्दीक अकबर है। मेराज की रात साथ जाने वाला जिब्रील अमीन चल के हुजूर के घर आता है, और हिजरत की रात हुजूर चल के सिद्दीक के घर आते हैं। मेराज की रात हुजूर के साथ जाने वाला जिब्रील आपको सवारी पे सवार करा के ले जाता है, और हिजरत की रात साथ जाने वाला कंधों पे बिठा के ले जाता है। मेराज की रात साथ जाने वाला रस्ते में रुक जाता है, आगे नहीं जाता, कहता है हुजूर बस मेरी परवाज खत्म हो गई, मैं यहीं तक आ सकता हूं। रब दीन कलूनी के मुसलमानों को, सरगोधा के मुसलमानों को यह मसला बताना चाहता है, अपने मुस्तफा का मकाम समझाना चाहता है कि जिब्रील जो नूरियों का सरदार है, जहां उसकी परवाज खत्म होती है मेरे मुस्तफा की परवाज वहां से शुरू होती है। जिब्रील खड़ा हो गया, कहां पहुंच के? सिदरतुल मुंतहा पे पहुंच के। कहां पहुंच के? आखिरी आखिरी चौकी है, ऊपर ऊपर की तरफ, उससे ऊपर कोई नहीं जा सकता, ना कोई आज तक गया है सिवाय आखिर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सुभान अल्लाह, जिब्रील भी वहां रुक गया, चलो ना, हाथ बांध के खड़ा है और कहता है अगर यक्सरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बिसोजत परम, आका मेरी परवाज खत्म हो गई, आगे नूर की तजल्लियात हैं, अगर मैं एक बाल के बराबर भी आगे जाता हूं रब के नूर से जल जाऊंगा, अल्लाह के नूर से नहीं जाता। मुझे इस मौके पे बात याद आ जाती है अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह तआला की, जब वो ये बात बयान फरमाते थे तो वर्द में आके
अजीब जुमला कहते थे सुभान अल्लाह, फरमाते थे जिब्रील तू अजीब बेवफा निकला, मेरे नाना को ऊपर ले जाके छोड़ दिया, इस डर से के साथ जाऊंगा तो जल जाऊंगा। कहते थे जिब्रील अगर तेरी जगह अताउल्लाह शाह बुखारी अपने नाना के साथ होता जलकर कोयला तो बन जाता, आका का साथ ना छोड़ता। अल्लाह ताला को अपने नबी की शान वाजे करनी है और नूरो बशर के चक्कर में पड़ने वालों ये देखो जहां नूरियों का सरदार बस कर गया है उसकी परवाज खत्म हो गई है वहां से मेरे मुस्तफा की परवाज शुरू हुई है। और फिर कहां गए हैं हुजूर, तवज्जो फरमाइए कहां गए हैं हुजूर, वहां वहां गए हैं जहां कोई नहीं गया है। लिखा है ये आयत उल्ट है, असल में है सुम्मत अदल्ला फदना, हुजूर ऊपर चढ़े कितना फदना अल्लाह के करीब हो गए। सुभान अल्लाह कितना करीब, वो तो सबके करीब है लेकिन वो सबके करीब अपनी और शान के एतबार से है। मेराज की रात हुजूर को जितना करीब किया किसी को करीब नहीं किया। एक मकाम दुनूब है, मकाम तदल्ली है जो अजल से बन गया था, खाली था, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा बिन मरियम तक का जमाना गुजर गया, वो मकाम खाली रहा। वो मकाम जैसे आका ने मिसाल दी, फरमाया अंबियाए किराम की मिसाल एक महल से है, किसी ने महल बनाया हो, महल मुकम्मल हो गया हो, एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी हो, जो भी देखता हो कहता हो महल बड़ा खूबसूरत है मगर एक ईंट की जगह खाली है। आका फरमाते हैं उस नबूवत के महल की आखिरी ईंट मैं हूं, आखिरी ईंट जब मैं आ गया अब नबूवत का महल मुकम्मल हो गया, अब मेरे बाद कोई नहीं आएगा। दज्जाल तो आ सकता है मेरे बाद, कोई नबी मेरे बाद नहीं आएगा। इस उम्मत की बड़ी अजमत है सुभान अल्लाह, ये उम्मत बड़ी पहरेदार है। लोग हमें ठेकेदार कहते हैं, याद रखिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है हम दीन के ठेकेदार नहीं हैं, हम दीन के चौकीदार हैं। और चौकीदार का काम यह होता है खुद भी जागता है औरों को जगा के रखता है और किसी डाकू को चोर को चोरी नहीं करने देता। 14 सदियों से ये उम्मत पहरे पे है, आज भी पहरे पे है, कल भी पहरे पे थी और कल भी कयामत तक पहरे पे रहेगी। कोई दज्जाल कोई कज्जाब कोई किसी किस्म का मेरे नबी की चादर इस्मत पे हमला करेगा, ये उम्मत सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, उस दज्जाल को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस उम्मत ने बड़ी कुर्बानी दी है और अल्लाह की कसम आप भी कुर्बानी देने को तैयार है। हमारा यह अकीदा है अगर हमारी जान हुजूर के खाते में लग जाए और क्या चाहिए, और कल हुजूर खुद संभाल लेंगे सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बड़ी अजमतें हैं उन लोगों के लिए जिन्हें अल्लाह ने हुजूर की खत्म नबूवत के साथ वाबस्तगी अता फरमाई है। और कल क़यामत का दिन होगा जब ये ऐलान हो जाएगा आओ खत्म नबूवत वाले, आप क्या कहेंगे, इंशाअल्लाह हम हैं खत्म नबूवत वाले। अमीन गिलानी ने कहा था लोग कहते हैं हमें खत्म नबूवत वाले, ये जो लोग कहते हैं कल हुजूर ने कह दिया तो सुभान अल्लाह। हौज़े कौसर पे खड़े होके आवाज दे दी,
کہاں ہیں ختم نبوت والے؟ ہمارا ایمان ہے، بلکہ حضرت لاہوری فرمایا کرتے تھے، میرا وجدان یہ کہتا ہے جب حوض کوثر پہ آقا کی دیدار کے لیے، آقا کی ملاقات کے لیے، آقا کی زیارت کے لیے امت پروانہ وار حاضر ہوگی، عطا اللہ شاہ بخاری آئیں گے، آقا کھڑے ہو کے ان کو سینے سے لگا لیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ان کا کشف ہے، ان کی بات ہے، کیا کہنے ان کے؟ سبحان اللہ، حضور تو صرف ہاتھ ملا دیں تو بھی بہت ہے، حضور تو نظر ملا دیں تو بھی بہت ہے، حضور تو دیکھ کے مسکرا دیں تو ہی کام بن جائے۔ اور کس نے کیا خوب کہا ہے، پتہ نہیں آپ کو شعر کبھی ذوق رکھتے ہیں کہ نہیں، کس نے کہا تھا، ایک تبسم، ایک تجلی، ایک نگاہ بندہ نواز، اس سے زیادہ اے غم جانا دل کی قیمت کیا کہیے؟ حضور دیکھ کے مسکرا دیں، نظر سے نظر ملا لیں، اور کیا چاہیے؟ اور وہ تو خوش نصیب ہوگا سبحان اللہ جس کے سینے سے سینہ مل جائے گا۔ اور فرمائے گی آقا اللہ شاہ بخاری، میں تم سے خوش ہوں، اللہ اکبر، میں تم سے خوش ہوں، تم نے میری ناموس کا، میری ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے، جو جو بھی تمہارے ساتھ تھا اس کو لو، جنت میں چلے جاؤ۔ اسی واسطے شاہ صاحب نے کہا تھا، شاہ صاحب نے 53 کی تحریک میں لوگوں نے باتیں کی، بندے مروا دیے، مار روڈ پہ 10,000 نوجوانوں کے خون بہا، اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ شاہ صاحب نے لاہور کے جلسے میں برملا کہا تھا، جو نوجوان ختم نبوت پہ قربان ہوئے یا قیامت تک ہوں گے، عطا اللہ شاہ بخاری ان کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن ان سب کو اپنے نانا سے جنت لے کر دے گا۔ خیر، بادشاہ صاحب کی آئی تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی، جلسہ ختم نبوت کا ہو اور عطا اللہ شاہ بخاری کا ذکر نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بھی بات چلی موسم گل کی، تم ہی موضوع سخن ٹھہرے۔ آقا فرش سے عرش کے قریب ہیں، جبریل امین کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے، آگے نہیں جا سکتا، اور ایک رات ہجرت کی ہے، صدیق حضور کو مکے سے مدینے لے گیا، کندھے پہ سوار کیا اور ایسا لے گیا مدینے رہا، آج بھی قبر میں مدینے میں آقا کے ساتھ سو رہا۔ میرے دوستو، ہمیں ایسے نبی ملے ہیں، خدا کی قسم، ان کی کسی ایک بات کو لے لیں، رات گزر جائے بات نہ مکے، کوئی ایک بات، زلفوں کو لے لیں، آقا کے چہرے کو لے لیں۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے رات کو حضور کی سیرت لکھنے، میں آقا کی سیرت لکھتا ہوں، سوچ میں پڑ گئے، لکھوں کیا لکھوں، پہلے آقا کے مکے کو لکھوں یا پہلے مدینے کو لکھوں، پہلے آقا کی زلفوں کو لکھوں یا پہلے آقا کے مکڑے کو لکھوں، آقا کے اہل بیت کو لکھوں یا آقا کی ازواج کو لکھوں، کیا لکھوں؟ سوچتے سوچتے ساری رات گزر گئی۔ وہ کہتے تھے ہر چیز نرالی ہے، جس کو دیکھتا ہوں دل چاہتا ہے پہلے یہ لکھوں۔ اور جب صبح ہوئی تو یہ کہہ کے اٹھ گئے، عبادت خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، میں مقدی مکاواں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو رب کا مصطفیٰ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے جہاں جہاں رب کی خدائی ہے وہی وہی مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ میرے دوستو، رب کا شکر کرو، رب نے ہمیں نبی دیا ہے تو آمنہ کے لال جیسا، جس جیسا کوئی نہیں، وہ مصطفیٰ رب کا بھیجا ہوا نبی ہے، وہ صرف مکے والوں کا نہیں، مدینے والوں کا نہیں، پوری انسانیت کا نبی ہے، وہ عرب کا نبی، عجم کا نبی، پڑھے لکھوں کا نبی، ان پڑھوں کا نبی، قیامت تک کے لیے نبی، انسانوں کا نبی، جنوں کا نبی، فرش والوں کا نبی، عرش والوں کا نبی، امت کا نبی، نبیوں کا نبی ہے، تو نبیوں کا نبی ہے۔ بس کوشش کریں حضور کا ہمارا ساتھ جڑ جائے،
हम आका के दामन से वाबस्ता रहें। अल्लाह ने हमें दे दिया है मुस्तफ़ा, बस उसका साथ ना छूटने पाए। कहाँ तक? जन्नत तक, हौज़े कौसर तक। क्यों जी, क्या ख्याल है? अब मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है, बात तो ख़त्म कहाँ होती है? हुजूर की बात हो ख़त्म हो सकती है? इसमें जिंदगियाँ ख़त्म हो गई, बात जहाँ थी वहीं है, बात जहां से शुरू ही थी वही है, बात खत्म नहीं होती। ये बात ही ऐसी है, ये जिंदगियां खत्म कर देती है, बात वही रहती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बनाए। बाकी इंशाल्लाह हजरात ऐलान भी करेंगे। आपको मालूम है हमारे ईदगाह सरगोधा में 5 नवंबर बरोज जुमेरात को खत्म नबूवत के हवाले से कॉन्फ्रेंस हो रही है, और 22-23 अक्टूबर को चनाब नगर में कॉन्फ्रेंस हो रही है। दोनों अपनी कॉन्फ्रेंस हैं, इसमें शरीक होंगे कि नहीं होंगे? सब भाई शरीक होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी आज की हाजिरी को और अगली तमाम हाजिरियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम सब को अपना सही बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए, और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बनने की तौफीक अता फरमाए। बस एक बात मैं कहता हूँ कि इस पर वक्त नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का हक अदा कर दिया। अपने किया कि नहीं किया? ताइफ में कभी खून टपका, मक्के में कभी पत्थर खाए, बस एक तरफ थी, कैसी तरफ? इंसान हिदायत पा जाए। अब हमारा ये हक है, हम उम्मती बनने का हक अदा करें। क्यों जी, क्या ख्याल? बस एक जुमला देना चाहता हूं, हुजूर की सीरत पढ़ें। आपने नबी बनने का खुदा की कसम हक अदा किया, हर नबी ने नबी होने का हक अदा किया, लेकिन आपकी शान भी निराली है और आपने हक भी निराली शान से अदा किया है। बस हमें चाहिए हम हुजूर को उम्मती बने। इंशाअल्लाह उम्मती बनेंगे, हम हर मौका पे हुजूर के साथ होंगे, कल क़यामत के दिन भी हुजूर के हौज़े कौसर पे हाजिर होगी, वहाँ सारी थकावटें खत्म हो जाएंगी, सारी प्यासें बुझ जाएंगी, फिर अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने, हमारा तो सबका बेड़ा पार हो जाएगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।